वार्ड नंबर 29 अजय नगर में लगातार तीसरी बार लगा वैक्सीनेशन कैंप। 400 लोगों ने लगवाई वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज। नियमित वैक्सीन की खेप आने से वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अजय नगर के वार्ड नंबर 29 की भाजपा पार्षद हेमलता खत्री की ओर से लगातार तीसरा टीकाकरण शिविर गुरुवार को श्री साईं बाबा मंदिर नेहरू नगर अजय नगर में लगवाया गया। वैक्सीनेशन कैंप में 18 से 44 आयु वर्ग और 45 से 59 आयु वर्ग के लोगों को पहली और दूसरी डोज लगाई गई। पार्षद हेमलता खत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि बाहू पर वैक्सीन लगवाकर सबको बाहुबली बनना है। इसी उद्देश्य को लेकर वार्डवासियों को बाहुबली बनाने के लिए आज 400 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। इस मौके पर वैक्सीनेशन कैंप में सेवाएं देने वाले चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ का साईं बाबा मंदिर के ट्रस्टी महेश तेजवानी ने माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर पार्षद हेमलता खत्री, भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन लालवानी, राजू भक्तानी, शंकर सबनानी, मोहन मोटवानी, अक्षय मोटवानी, पप्पू बच्चानी, नानक गजवानी, हरीश गजवानी आदि कई कार्यकर्ताओं ने कैंप में निस्वार्थ सेवाएं प्रदान की। रोकथाम के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्व के सबसे बड़े मुफ्त टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है, उसके अंतर्गत आज हमने अपने वार्ड 29 साईं बाबा मंदिर अजय नगर में कोरोना का कोविशील्ड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया है, जहां पर फर्स्ट और सेकंड डोज 45 प्लस और 18 प्लस वालों को लगाई जा रही है। यहाँ पर युवा वर्ग बहुत ही उत्साह के साथ भाग ले रहा है। यहाँ पर हमारे मंदिर के ट्रस्टी श्री महेश तेजवानी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था करवाई। हमारे कार्यकर्ता जो सुबह से इतनी मेहनत करके यहाँ पे हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका भी हृदय से आभार करती हूँ। और आप मीडिया कर्मियों का भी मैं आभार करती हूँ, जो समय पर हमारे साथ हमेशा सहयोग करते आए हैं। और यहाँ पर मेरे सारे कार्यकर्ता श्री महेश तेजवानी, श्री शंकर सबनानी और इन सब का मैं राजू भक्तानी जी का सबका दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमारे इस व्यवस्था में पूरा पूरा भाग लिया है। आपके वार्ड की बात करें तो आपके वार्ड में लगभग कितना वैक्सीनेशन हो चुका होगा? अभी मैं समझती हूँ तकरीबन 3/3 वार्ड का तो वैक्सीनेशन हो चुका है। फर्स्ट डोज तो हो ही चुका है, अब सेकेंड डोज का है। जो चंद्रवरदाई में तो डेली हमारे वार्ड में कैंप वहाँ पर लगता ही है, चाहे वो कोवैक्सीन का हो या कोविशील्ड का हो, और यहाँ पर भी जगह जगह पर अलग अलग एरिया में कैंप लग रहे हैं मेरे वार्ड में। तो मैं समझती हूँ 3/3 तो हो ही चुका है हमारे वार्ड।